हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स लिमिट का, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, जिनका ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल अथवा सिविल रूलर है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। स्टूडेंट हमारे यहाँ माही टेक्निकल क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास की व्यवस्था है। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स मेरा नंबर है 8862835920, इस पे कॉल कर सकते हैं, या आप इस पे आप व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप मैसेज करके हमसे किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट इस नंबर पे आपका बात हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों क्लास की सुविधा माही टेक्निकल क्लास में है। खुशी की बात यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास माही टेक्निकल क्लास का परचेज कर सकते हैं और अच्छे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे लिमिट का, ठीक है। लिमिट क्या है, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज आता होगा क्योंकि शादी का दिन है, जिनका 2020 में शादी नहीं हुआ वो तो एकदम बड़ा दुखी हो गए होंगे। 2021 आते ही वो लोग सोचे शादी कर लेते हैं, पता नहीं बेहोता चाहेगा फिर कौन कुछ कुछ खा लेगा और फिर वो वायरस दे देगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, तो इसीलिए चाइना कुछ खा ले उससे पहले ये लोग शादी कर रहे हैं। आप लोग भी अगर हैं शादी करने वाले तो कर लीजिए जल्दी। तो उसी का देखिए थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, गाड़ी जो चल रही है, पटाखा फूट रहा है, उसका थोड़ा नॉइज आपको आता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट का। किसका? लिमिट का। कुछ नया वर्ड आपको देखने को मिलता होगा, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट है खास करके उनके लिए मैं बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स लिमिट क्या है और लिमिट का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लिमिट पढ़ते हैं, इसका फ्यूचर में क्या यूज है, इसी सारे बातें पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड ए इज अ एनी पॉइंट देन वी रिटेन इन मैथमेटिक्स लिमिट x टेंड्स टू a f x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a f a। यानी स्टूडेंट्स f x कोई फंक्शन है, ये जो f x है ये किसी भी प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मशीन जो प्रत्येक इनपुट का कुछ ना कुछ डिफिनिट आउटपुट देता है, तो उसको स्टूडेंट हम कहते हैं फंक्शन। एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा मशीन या एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस जो प्रत्येक इनपुट का कुछ ना कुछ डिफिनिट आउटपुट देता है, तो स्टूडेंट उसको कहते हैं हम लोग फंक्शन। तो उसी प्रकार की अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और ए कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें लिमिट का जरूरत पड़ता है। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स, और उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसा लिखा जाता है। अगर मैं लिमिट को मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखना चाहूं तो LIM शॉर्ट फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a f x, अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो हो जाएगा f a। अब बात करता हूं स्टूडेंट छोटी-छोटी बातों का। x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू a का मतलब होता है स्टूडेंट्स x का वैल्यू जो है a को अप्रोच कर रहा है, x का वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिया जाए, मतलब x का जो वैल्यू है a को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसको हम कह सकते हैं x बराबर a नहीं है, x a के तरफ जा रहा है, x का वैल्यू a के तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसको मैं नंबर लाइन पे इस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि अगर ये 0 है, अगर ये a है, तो हमारा x का जो वैल्यू है
वो ए की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ए वाले पॉइंट पे जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन x बराबर a नहीं होगा, यानी इस fx का वैल्यू इस a वाले पॉइंट पे निकालने का ये प्रयास कर रहा है, तो उसको हम लिमिट में इस तरह से लिखते हैं। एक एग्जांपल स्टूडेंट्स लिखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फाइंड लिमिट ऑफ fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, of limit x tends to 2 x square minus 4 by x minus 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास करिएगा, लिमिट का पूरा दुनिया पीएचडी कर लोगे इसी एक एग्जांपल से। हमें कहता है लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लें, ये जो है सर्किल में कहता है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कब, जब x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब जब x के जगह पे हम 2 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2। अब डायरेक्ट जहां-जहां x है वहां पे 2 पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे नीचे x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2। अब ये लिमिट काहे लिखेंगे, पुट कर दे तो लिखना नहीं चाहिए, काहे कि जहां जहां x था वहां पे हमने क्या किया, 2 पुट कर दिए, जब 2 पुट कर दिए तो लिखने की लिमिट क्या जरूरत है, नहीं लिखा जाता है। 4 माइनस 4 बराबर 0 बटे में 2 माइनस 2 बराबर 0। आज तक कोई मैथमेटिशियन इसको बता ही नहीं ये कोई वैल्यू है, मैथमेटिशियन ने बताया ये अनडिफाइंड वैल्यू है, इसको इनडिटरमिनेट टर्म बोला गया। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स इन डिटरमिनेट टर्म या वैल्यू। स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन था fx x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, जहां जहां x वहां पे हमने 2 पुट करके वैल्यू निकाला तो हमारा आंसर आया 0 बटे 0, और 0 बटे 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं, 0 बटे 0 का मतलब जब कुछ होता ही नहीं है तो बताओ ये क्या हो सकता है। तो मैथमेटिशियन ने बोला इसको कहेंगे इनडिटरमिनेट टर्म, किसी भी प्रकार का ये टर्म है ही नहीं, ये वैल्यू है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये फंक्शन है इसमें हम एक इनपुट दे रहे हैं, तो मैंने बतलाया फंक्शन एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो प्रत्येक इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। अरे बेहोदा देखो, जब हम x का जगह पुट किए 2 तो ये कहां डेफिनेट दिया वैल्यू, ये तो 0 बटे 0 दे रहा है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तब क्या किया जाए। तब बोले अरे कुछ तो करना होगा, तब उन्होंने बताया कि लिमिट को जन्म करो, लिमिट का जन्म दो। जब रावण ने अत्याचार करना स्टार्ट किया तो दुर्गे जी का जन्म हुआ, संहार कर दिया। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स जब इस प्रकार के फंक्शन का वैल्यू x बराबर 2 पे नहीं आ रहा है तो बोला कि लिमिट का आविष्कार करो, लिमिट का जन्म करो, तो लिमिट का जन्म हुआ। जब लिमिट का जन्म हुआ तो स्टूडेंट जन्म लेते ही उन्होंने कहा कि लिमिट में कुछ मेथड होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड होना चाहिए। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेथड बताऊंगा कि जितने भी टाइप के फंक्शन है वो सारे फंक्शन को कौन-कौन से मेथड से लिमिट की दुनिया में जाके लिमिट निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बतलाया कि जब x बराबर 2 पे वैल्यू नहीं आ रहा है, 2 के आसपास जाइए। तो हमने कहा कि मान लेते हैं एक नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को चर्चा कर रहा हूं ना, 0 बटे 0 आया, इंडिटरमिनेट टर्म हो गया, ये कोई वैल्यू नहीं है, मैं लिमिट समझा रहा हूं, यानी यहां पे 0 है और यहां पे 2 है। जब यहां पे ये फंक्शन है स्टूडेंट्स fx बराबर है x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, यही था वैल्यू यहां पे लिखा हुआ। तो कहता है कि जब हम x ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये वैल्यू देता है 0 बटा 0 जो कि इंडिटरमिनेट है,
तो किसी ने एक लड़का उठ के आया सर बोला कि जब ये दो पे वैल्यू नहीं आ रहा है सर तो दो के बगल में वैल्यू निकाल लीजिए ना। हम बोले बताओ किधर, तो बोला सर दो से पहले ही यहाँ पे। बोला सर यहाँ पे इसका मतलब दो से कम है, तो कितना कम है? अब कोई कहेगा 0.1, तो कोई कहेगा 0.2, कोई कहेगा 0.4, मतलब सब सब रकम का बात बोलेगा। तो हम बोले नहीं एच, हम बोले कि अगर दो से पहले कोई वैल्यू लेना है तो दो से कम होगा, तो कितना कम होगा? तो हम बोले एच कम होगा। तीसरा उठ गया उधर से, बोलता है नहीं सर दो के बाद लीजिए, दो के बाद मतलब क्या? दो से थोड़ा ज्यादा, दो से पहले का मतलब है दो से कम, दो में कुछ घटाया जाएगा, और दो से बाहर का मतलब है दो से ज्यादा, यानी दो में कुछ जोड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स दो पे वैल्यू 0/0 आ रहा है, यानी डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दो से पहले कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे और दो के बाद कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, कहेंगे दोनों पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, नियरेस्ट आ रहा है कि नहीं, उसको हम मान लेंगे। तो स्टूडेंट बोला कि दो से कितना कम? एच कम। दो से कितना ज्यादा? एच ज्यादा। इसका मतलब एच जो है किसका काम कर रहा है? एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। एच एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी फंक्शन में पुट होकर उसका वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जब घट जाता है तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि चूंकि केस वन, केस नंबर फर्स्ट, x टेंस टू कितना था? 2। यहाँ देख रहे हैं x टेंस टू कितना है? 2 है। तो हम इसको स्टूडेंट लिखेंगे, मान लेंगे लेट x बराबर 2 प्लस एच और x टेंस टू 0 मान लिए हमने। हमने क्या मान लिया? x बराबर 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब क्या? 2 के बगल वाला, ना 2 के जस्ट बगल, इतना बगल में लिखा होता है। और एच को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कहीं पे हम लिख देता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहीं पे लिख देते हैं एच बढ़ाना है स्टूडेंट्स, एच। और एच को कहा जाता है लिमिटिंग कांस्टेंट या लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। और एच का जो वैल्यू होता है बहुत बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, 1 से, यानी एच का वैल्यू जो है 1 से बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, जिसे नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अगर हम कुछ चीज देख नहीं सकते तो बोर्ड पे तो देखेगा क्या? इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा देखने वाला बात लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स एच का जो वैल्यू है वो 1 से बहुत बहुत छोटा होता है, ये जानने के लिए अगर कोई पूछ दे तो बताइएगा एच का वैल्यू बहुत बहुत छोटा होता है किससे? 1 से, 0 से जस्ट बड़ा, 1 से बहुत छोटा, इसके मतलब 0 के करीब होगा। चलिए उतना भी क्या बता है। चलिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर समझा रहा हूं, नोट करके लिख सकते हैं आप, ज्यादा इसमें लिखना, जब मैं कहूंगा कि किताब कॉपी में लिखो तब लिखिएगा। केस नंबर फर्स्ट क्या, x बराबर हम मान लेते हैं 2 प्लस एच, 2 कहां से? ये वाला 2, ये जो 2 है, h कहां से? 2 के बाद निकालना, तो हो जाएगा लिमिटिंग x टेंड्स टू 2 प्लस एच, और यहां पर है fx लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां भी ले लेते हैं x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या? h 0 नहीं है, h 0 के तरफ जा रहा है, h 0 को अप्रोच कर रहा है। मैं अगर कैमरा की तरफ ऐसे करके बढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है मैं कैमरा को अप्रोच कर रहा हूं, मैं कैमरा के बराबर नहीं हूं लेकिन मैं कैमरा की तरफ जा रहा हूं, यानी कह रहा है कि h का जो वैल्यू है वो 0 के तरफ जा रहा है, यानी वो 0 के करीब है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स लिखिएगा, कोई भी पॉइंट रहेगा तो x बराबर 2 प्लस h और h टेंड्स टू 0, तो यहां पे लिखिए x टेंड्स टू 2 प्लस h fx, यहाँ पे h टेंड्स टू 0, fx बराबर देखिए वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? x स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, जहां जहां स्टूडेंट x था वहां पे हम पुट कर देंगे 2 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 बटे में x, सॉरी 2 प्लस h माइनस 2 लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल होगी सर, लिख सकते हैं आप लिमिट h टेंड्स टू 0, बस इसी वैल्यू को निकाल रहे हैं, कहाँ?
जब 2 पे वैल्यू नहीं आया तो 2 के आसपास जाके हम वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लिमिट को जानने का हम कोशिश कर रहे हैं, लिमिट आखिर है क्या। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। तो स्टूडेंट क्या लिखे हमने, x बराबर 2 प्लस x मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x fx, fx बराबर क्या था, x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, जहां जहां x वहां पे 2 प्लस x पुट कर दिए, ऊपर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर प्लस 4 h ना, a प्लस b का होल स्क्वायर पता ही होगा, माइनस 4 बटे में ये देखो 2 और 2 कट जाएगा, नीचे में h, यहां से देखो स्टूडेंट 4 और 4 कट जाएगा, यहां पे स्टूडेंट्स लिमिट खत्म अभी नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से देखो क्या बचा है, h स्क्वायर प्लस 4h बटे में h, ऊपर से h स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन आएगा तो बचेगा यहां पे h प्लस 4 बटे में h, ये h और नीचे वाला h कट जाएगा तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4, जहां जहां h वहां पे हम 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे देखो h है यहां पे 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस 4 बराबर 4। वाह क्या देखे स्टूडेंट्स, जब हम जहां जहां x वहां पे हम डायरेक्ट जब 2 पुट कर दिए तो वैल्यू आया 0 बटे 0 के रूप में, हमने बोला कि अरे ये वैल्यू नहीं हो सकता है, मतलब दिए गए पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू 0 बटे 0 आ रहा है, जो मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ नहीं इंडिटरमिनेट टर्म है, लेकिन हमने जाके आसपास मालूम किया कि 2 पर वैल्यू जब नहीं आ रहा है तो 2 से थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा सा ज्यादा करो, और थोड़ा सा ज्यादा कितना मतलब h ज्यादा करो, h होता है 1 से बहुत छोटा 0.00001 कितना छोटा, और हम x के जगह 2 प्लस h पुट करके देखे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आया 4। स्टूडेंट बोला वाह सर अब समझ गए, तो लिमिट का जरूरत पड़ा, जब स्टूडेंट 2 पे वैल्यू हमारा फंक्शन का नहीं दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, तो हमने क्या किया 2 के आसपास जाके देखा कि वैल्यू आएगा कि नहीं, तो 2 से थोड़ा ज्यादा के हमारा आंसर आया 4, जो कि रियल वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमें लिमिट का जरूरत पड़ा। लिमिट की क्यों जरूरत पड़ा, डेफिनेट वैल्यू फाइंड करने के लिए जब दिए गए पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड नहीं आता है। तो जानबेन करते हैं क्लास में कुछ अजूबा भी विद्यार्थी होता है, वो बोलता है सर ऐसे तो कर दिए, 2 से थोड़ा ज्यादा पे आपने आंसर 4 लाया तो 2 से थोड़ा कम पे क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि 4 आएगा तब आंसर सही होगा ना, LHS से भी RHS से भी प्रूव्ड होना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक इधर मैं नोट कर लो, मैं सामने से हट गया, वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है एक एक पॉइंट लिखना, अगर इधर मिटाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए केस नंबर 2, पहला केस था, अब दूसरा केस हम x बराबर मान लेते हैं 2 माइनस x मतलब 2 से छोटा मतलब 2 से थोड़ा कम, यानी h मतलब क्या h 0, h हमेशा 0 को अप्रोच करेगा, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x यहां पे fx, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, fx किसके बराबर, ये वाला फंक्शन स्टूडेंट किसके बराबर, यानी x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, यानी जहां जहां x वहां पे हम 2 माइनस h पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 माइनस h माइनस 2, ये 2 और 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर में स्क्वायर करेंगे 4 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 h माइनस 4 बटे में माइनस h, ये माइनस प्लस सब कट जाएगा, यहां लिखा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर में h स्क्वायर माइनस 4 h बटे में माइनस h, स्टूडेंट्स यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर से h कॉमन लेंगे तो h माइनस 4 बटे में माइनस h, h h कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहां पे 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 4 बटे में माइनस 1 क्योंकि नीचे में माइनस है, जहां जहां h वहां पे हम 0 पुट कर देंगे तो ऊपर 0 माइनस 4 बटे में माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी 4, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही
अच्छा चीज आपको सीखने को मिला, यानी दो से जरा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, एच ज्यादा किए तो हमारा वैल्यू आया है 4। और एक अजूबा स्टूडेंट के कारण हमने क्या किया, दो से थोड़ा कम कर लिया, बोला कि थोड़ा कम करिए ना, उस पर वैल्यू निकाले तो 4 आएगा, तब ना आपका सही होगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, दो से थोड़ा कम किया तो 2 - x, और इस पर वैल्यू निकाले तो भी आया 4, यानी लिमिट ने अपना काम कर लिया। यही तो है लिमिट की दुनिया। लिमिट की दुनिया में हम स्टूडेंट सीखते हैं कि अगर दिए गए पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं आए तो हम उसके आसपास जाके वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, देखो इस तरह से सीखे, तो लिमिट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ कि लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, लिमिट का यूज क्यों होता है, यानी फंक्शन का डेफिनेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम एक तीसरे तरीका से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो जो वैल्यू था इसके बाद लिखिएगा आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x²-4/x-2, यानी 0/0 आ रहा है वैल्यू किस पे, जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किए तब लिखेंगे नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी x स्क्वायर 2 का स्क्वायर नीचे x माइनस 2, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, यानी x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 नीचे में x माइनस 2। स्टूडेंट्स माइनस वाला टर्म कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में बचेगा x प्लस 2, जहां जहां x वहां पे हम 2 पुट कर देंगे तो 2 + 2 यानी 2 + 2 = 4 आंसर आ गया। तब हो गया सर, यहां पे एक बार में आंसर आ गया। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स, अभी तो आपको मैं एक झलक दिखाया, ठीक है, अभी तो आपको मैं एक झलक दिखाया हूं, फिल्म तो अभी बाकी है। एक मेथड से बनाए थे आसपास वाला से, और ये देख लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर मैं चाहूंगा तो इसको मैं इसको एक और मेथड से बना सकता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ऐसा ऐसा मेथड में बताऊंगा ना स्टूडेंट्स, आप कहोगे वाह एक क्वेश्चन इतने मेथड से बनाया जा सकता है, बस टेंशन नहीं लेना है। माही टेक्निकल क्लास में आए हैं तो आपको समझ जाइए, सभी सब्जेक्ट मैथ में तो हीरो बना ही देंगे, नहीं विश्वास है तो अपने सीनियर से जाके पूछो, और भी सब्जेक्ट में इस तरह से आपको हीरो बनाएंगे ना, जरूर कॉलेज में टॉप करोगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक दूसरा मेथड ये था फैक्टराइजेशन, एक तीसरा मेथड जिसका नाम होता है एल हॉस्पिटल रूल। अब कहोगे सर ये रूल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब का एक वीडियो में बनाता हूँ सर, दो वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि एल हॉस्पिटल क्या है, कब हम एल हॉस्पिटल यूज करते हैं, कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, इसके लिए एक वीडियो ही बनेगा। लेकिन आपको मैं एक झलक दिखा रहा हूं कि इसका वैल्यू अगर हम एक तरीका से निकाले, ये दूसरा तरीका था, क्या तीसरा तरीका भी है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है जब किसी फंक्शन का वैल्यू 0/0 अथवा ∞/∞ आ जाए तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करके उस फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a ऊपर में f(x) नीचे में g(x) है और इसका वैल्यू 0/0 के रूप में आ रहा है अथवा ∞/∞ के रूप में आ रहा है तो लिखेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 x²-4/x-2। स्टूडेंट्स हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो ऊपर में 0, नीचे 2 पुट करते हैं तो यहाँ भी 0, 0/0 के रूप में आ गया, इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज होगा। अब बात करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज होगा, इसके लिए क्या करता है, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्या है, अगर x बराबर x का पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन कहेंगे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव अवकलन। तो स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं जितना पावर है ना उस n को आगे लिखते हैं इनटू एक पावर कम कर देते हैं, अर्थात अगर x स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 × x^1 कम, यानी 2 से 1 कम कर देंगे 1। अगर x पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 4 × x^3।
अगर x पर पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 3 x स्क्वायर, अगर x पावर 10 है तो इसको लिखेंगे 10 x पावर 9, अगर सिर्फ x है इसका मतलब इस पावर 1 है तो 1 लिखेंगे x पावर 1 से 1 कम कर देंगे तो 0 बराबर 1। किसी भी नंबर पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, मतलब 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 100 है, कोई भी नंबर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंस डेरिवेटिव 0 होगा। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे सिर्फ x पर पावर लिखते हैं 50, इसको लिखेंगे 50 x पावर 1 कम यानी 49। समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर का देख रहे हैं ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x पावर 1 मतलब 2x। तो स्टूडेंट्स यहां पे हो जाएगा 2x, देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहां पे 4 क्या है कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहां हो जाएगा 0 बटे नीचे वाला पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करना है। यहां पे देखो x है, x का मतलब क्या x पावर 1 यानी x का मतलब x पावर 1 देख रहे हो ना, x पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना 1, यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 ठीक है, सॉरी 0 कहां लिखे, यहां 2 लिखना था क्योंकि यहां 2 है ना, नीचे इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस यहां कांस्टेंट है 2 उसका 0। स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में बच रहा है 2x, नीचे में बच रहा है 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, क्या है लिखेंगे ऐसे ही 2x लिखेंगे। अब जहां जहां x है वहां पे इस 2 को पुट कर दो, तो 2 अपना x का जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो स्टूडेंट क्या देखे, एक क्वेश्चन हमने लिया यहां से लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, और इसको हमने तीन तरीके से बनाया और तीनों तरीका से ये बनके तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करेंगे, अभी तो आपको हमने सिर्फ और सिर्फ कांसेप्ट बताया कि लिमिट हम लोग कैसे बनाएंगे, लिमिट क्या है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसमें कुछ और बातें नोट करके लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नहीं लिखा तो दिया h का वैल्यू लिखा दिया स्टूडेंट्स, और x टेंड्स टू a का मतलब होता है x a की तरफ जा रहा है, x a की तरफ जा रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कुछ लिमिट के प्रॉपर्टीज के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हैं तो 5 सब्जेक्ट का आपको मात्र 2100 रुपया में कोर्स मिल जाएगा, आप अच्छे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या इस वीडियो को आप देखिए क्या समझ में आया, अगर समझ में आया है तो स्टूडेंट्स आप लोग ऑनलाइन कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज करके प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप समय गिनोगे कल लेंगे परसों लेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आप अपने गार्जियन से बात करिए या गार्जियन को मुझसे बात करवाइए। 6000 रुपया ऑफलाइन में लगता है और ऑनलाइन में मात्र 2000 रुपया स्टूडेंट लग रहा है, तो बताइए इतना कम में आपको हम इतना कोर्स दे रहा हूँ और उसको मात्र हम 50 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बताइए कितनी खुशी की बात है। तो जल्दी से कोर्स परचेज करिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। थैंक यू।